भारत की अर्थव्यवस्था एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक का क्वेश्चन देखेंगे 2022-23, जो आगामी एग्जाम वन डे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे हॉस्टल वार्डन, लेबर इंस्पेक्टर, वन रक्षक भर्ती, पीएससी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 5 से 6 प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे ही देखने को मिलेगा। पहली बार आए हैं तो जल्दी से जाइए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भारत की अर्थव्यवस्था एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले लेबर इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है आपका, जो 34 पदों पर वैकेंसी निकल कर आई थी, 24 जून को इसका एग्ज़ाम है, दोपहर 2 बजे, याद रखना दोपहर 2 बजे इसका एग्ज़ाम है। 30 जिलों में इसका आयोजन किया गया है, तो लेबर इंस्पेक्टर के लिए खास महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है, तो एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा। तो देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में पूछे गए प्रश्न हैं। पहला, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम है? यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो साक्षरता का प्रतिशत है सबसे कम है, आपका लेबर इंस्पेक्टर 2018 में पूछा गया है, तो इसका आंसर बिल्कुल ए होगा, जो साक्षरता प्रतिशत सबसे कम है बिहार में। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, 2011 के जनगणना के आधार पर सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? लेबर इंस्पेक्टर 2015 में पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका ए होगा, कुरुंग कुमे अरुणाचल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में राष्ट्रीय आय को समकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? जो आपका भारत में जो राष्ट्रीय आय होता है ना, उनके समकों का जो आकलन किया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO, ठीक है। नेक्स्ट है, 2023 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत, 2023 में पूछा गया ना, याद रखना 2023 में जो अभी हाल ही में चल रहा है, तो भारत की जो जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.7% होगा। नेक्स्ट है, कितने उद्योग कोर सेक्टर शामिल है? ये आपका लेबर इंस्पेक्टर 2015 में पूछा गया है, तो कितने उद्योग कोर सेक्टर हैं, तो आपका 8 उद्योग कोर सेक्टर हैं। छठवां होगा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश के आधार पर किया जा रहा है? तो आप सभी को जैसे मालूम होगा, जो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड है, उसकी स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर किया जा रहा है, तो छठवां का आंसर आपका हो जाएगा, शिव रमन समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, विश्वरैया लौह इस्पात कारखाना, जो कि आपके लेबर इंस्पेक्टर 2018 में पूछा गया है, आपका आंसर बी होगा, भद्रावती में। जो विश्वरैया लौह इस्पात कारखाना है कहाँ स्थित है? भद्रावती में। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो आठवां का आंसर बिल्कुल सी होगा, पांचवी अर्थव्यवस्था, यानी कि भारत का आठवीं जो आपका पांचवी और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। नौवां प्रश्न है, वर्तमान में भारत के प्रति व्यक्ति आय कितना रुपए है? तो भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है ना, कितना है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा नौवां का बिल्कुल सी, 1,97,000 रुपये, ठीक है, एक बार याद रखना, बिल्कुल सही है। वर्तमान में जो भारत की प्रति व्यक्ति आय, भारत का प्रति व्यक्ति आय 1,97,000 रुपया है। नेक्स्ट है, कपाट का संबंध किससे है? कपाट का संबंध ना, एक बार मैं आपको क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए, ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन, ऑप्शन बी, कंप्यूटर हार्डवेयर से, ऑप्शन सी, निर्यात वृद्धि हेतु परामर्शी सेवा, ऑप्शन डी, बड़े उद्योगों में प्रदूषण के नियंत्रण से। इसका आंसर ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 2022-23 में समय में जीडीपी में भारतीय कृषि की योगदान कितना है? तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, लेबर इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है 24 जून को होने वाला है, उसमें यहाँ से भारत की अर्थव्यवस्था और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे ही आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, बिल्कुल रिवाइज करके जाइएगा। तो देखिए, 2022-23 में के समय में जीडीपी में भारतीय कृषि की योगदान पूछा गया है, तो भारत में जो कृषि का योगदान है आपका 3.5%, याद रखना 3.5% है जो भारतीय कृषि का योगदान है। 2022-23 में फिर से कह रहा हूँ, एक बार याद करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। ये भी आपका लेबर इंस्पेक्टर 2015 में पूछा गया है कि भारत में
व्यापक मुद्रा यानी कि MG का सूचक क्या है? तो इसका आंसर बिल्कुल डी होगा। कैसे होगा देखिए ध्यान से। भारत में व्यापक मुद्रा यानी MG का सूचक है जनता के पास करेंसी, बैंकों में सर्वाधिक जमा, बैंकों में मांग का जमा, यानी कि ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना 1992 में की गई है। किसमें की गई है? ऑप्शन बी होगा, 1992 में। नेक्स्ट है, भारतीय प्रति, इसका तो आंसर मैं आपको करा दिया हूँ। ये देखिए, स्वच्छता भारत मिशन के अंतर्गत, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2022 तक कितने घरों में शौचालय बनाए गए हैं? तो इसका आंसर बिल्कुल 14 का आंसर सी होगा, 11.7 करोड़। याद रखना कितना होगा, 11.7 करोड़, जो कि वह 2022 के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के लिए शौचालय बनाए गए हैं घरों घर। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट है, उज्ज्वला योजना के तहत 2022 तक कितने LPG कनेक्शन दिए गए हैं? तो इसका आंसर बिल्कुल फर्स्ट हो जाएगा, 15 का ए, 9.6 करोड़। कितना है? 9.6 करोड़, जो कनेक्शन के लिए उज्ज्वला योजना के तहत 2022 में LPG कनेक्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की है? तो इसका आंसर होगा 16 का बिल्कुल सी आंसर, राज्य समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2022 के अंत तक, याद रखना क्या पूछा गया, वर्ष 2022 के अंत तक कोविड रोधी टीकाकरण लगभग कितने लोगों ने लगाया है? तो इसका आंसर होगा आपका 17 का डी, 220 करोड़। कितना? 220 करोड़। नेक्स्ट है, राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना के सहयोग से की गई है, किसकी स्थापना के सहयोग से की गई है? जल्दी से कमेंट करके बताएं, ऑप्शन ए जर्मनी। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना, ये आपका हो गया ना जर्मनी। ये देखिए, मंदरिया व तेजरिया शब्दावली, जो मंद मंद और तेज, मंद का मतलब होता है धीरे, तेज का मतलब होता है रफ्तार, तो मंदरिया और तेजरिया शब्दावली किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। किससे? शेयर बाजार से। वर्तमान व्यक्तिगत आय में कितना व्यक्तिगत वार्षिक आमदनी पर कोई कर नहीं देना होगा? तो अभी हाल ही में देखिएगा, व्यक्तिगत में जो आय है आपका, कितना व्यक्तिगत वार्षिक आय है जो आमदनी कर नहीं देना पड़ेगा? तो आपका आंसर भी हो जाएगा 3 लाख, ना कि 5 लाख, ना ये आंसर नहीं होगा। बहुत लोगों ने 5 लाख दिया था आंसर, ये बिल्कुल गलत है, 3 लाख होगा इसका आंसर। नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो 21 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकास बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज दर नीति निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? जो ब्याज दर नीति होता है ना आपका, बिल्कुल मौद्रिक नीति के अंतर्गत आएगा। 23 का क्वेश्चन है, भारत में कर्मचारी के महंगाई भत्ते के निर्धारण के आधार पर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत में कर्मचारी की जो महंगाई भत्ता होता है उसका निर्धारण का आधार होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बिल्कुल बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्थित दर 2022-23 के राज्य सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान किया गया है? तो देखिए 8% आएगा। कैसे आएगा तो ध्यान से समझिएगा, छत्तीसगढ़ में स्थित जो 2022-23 के राज्य सकल घरेलू उत्पाद पूछा गया है, तो ऑप्शन बी होगा 8%। अगर पूछ लिया जाए 2021 में, है ना, 2021-22 में पूछ लिया जाता है, तो आप बताएंगे 7%। ठीक है, अगर 2021-22 में पूछेगा तो 7, और यहाँ पर 2022-23 पूछा गया तो 8% होगा। नेक्स्ट है 25वां, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई है? तो इसका आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा, 6वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 6वीं।
नेक्स्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, हाल ही में देखना जो जारी हुआ है भूपेश बघेल सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की जो नवीन योजनाएं हैं, 2,500 रुपये प्रति माह दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जा रहा है 2023 के बजट में, तो कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है तो आप बताएंगे 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और इसी से रिलेटेड मैं आप सभी को एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में जो शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है वो कौन से डेट से दिया जा रहा है, यानी कि मेरे कहने का मतलब है बेरोजगारी भत्ता कब से प्रारंभ किया गया है और किस दिन से ये वेतन आपको मिलना प्रारंभ हुआ है, यानी कि 2,500 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है लेकिन कब से स्टार्ट हुआ है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक मिनट ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो वर्तमान में यानी कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के जो प्रति व्यक्ति आय है हमारा वो आपका 1,33,898 रुपये, जो आपसे आंसर सी होगा। कितना है एक बार फिर से समझिएगा, एग्ज़ाम में पूछ सकता है, मैं इसीलिए बार बार ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। 5 से 6 नंबर भारत की अर्थव्यवस्था प्लस छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक सर्वे की क्लास लेकर आया था, इसीलिए वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ प्रति व्यक्ति आय है ना 1,33,898 रुपये है, जबकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 मनरेगा के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है तो आप बताएंगे 1,902 करोड़। कितना है? 1,902 करोड़ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान में, ये तो आपका आंसर में करा दिया ना, कोई दिक्कत नहीं, ये ऑप्शन करा दिया हूँ। देखिए 29 में पूछा गया है कि शाख नियंत्रण के परिणात्मक उपायों में निम्न में से क्या शामिल नहीं है, तो इसका आंसर डी होगा, ऋणों के लिए मार्जिन की आवश्यकताएं जो शामिल नहीं है, जबकि क्या क्या शामिल है, खुले बाजार की क्रियाएं, संवैधानिक तरलता का अनुपात और बैंक दर, जो कि आपके शाख नियंत्रण में शामिल है। यहाँ पर पूछा कि शामिल नहीं है तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा बेमेल है, बेमेल का मतलब सीधा आंसर आ जाएगा रेखा समिति, जो आयात निर्यात की प्रक्रिया सरलीकरण है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ, पूरा जितने भी है सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके व्यापम पीएससी में, तो ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया था। वीडियो आपको कैसा लगता है, हमारा परफॉर्मेंस कैसा लगता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डेली क्लास करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कंप्यूटर के प्रश्न, साथ ही छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास, जो कि आपके छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में परंपरागत जितने भी क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं वो सब हम देखेंगे। तो चलिए देखिए, ये जो क्लास हमारा था श्रम निरीक्षक के लिए खासी महत्वपूर्ण था, भारत की अर्थव्यवस्था छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक 2022-23 का सर्वे का क्लास लेकर आया था। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जाइएगा जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।